रोटीज हो गया, अनार हो गया, चरखी हो गया, गुड़िया हो गया ना, भाई वीडियो शूट करने के चक्कर में सब काम अकेले करना पड़ रहा है, ये सब व्लॉगिंग के साइड इफेक्ट। सभी मंगल फलों की प्राप्ति होती है। फटेगा नहीं महाराज, बढ़िया से पकड़ेंगे। सो गाइस, मैं इसी इंटरेस्टिंग चीज की हे एवरीवन, अनुभव यादव दिस साइड। सो विशिंग यू गाइस अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम दी अननोन आर्टिस्ट। यार दिवाली या व्लॉग तो बनता है ना भाई, तो बहुत देर से सोच रहे हैं कि व्लॉग शूट करें, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को पता है दिवाली कितना काम होता है, सो टाइम क्या ही मिलेगा। अभी भी टाइम नहीं मिला, बट अभी मतलब जा रहे हम लोग पटाखे लेने के लिए, तो उसके बाद आगे बहुत सारे काम है वो भी करने, जैसे दिए जलाना है, फिर पूजा वूजा भी, हवन भी करवाना है। मम्मी रेडी हो ही रही हैं, तो पटाखे लेके आते हैं, तो वहीं मिलते हैं आप लोग से। कितना हो गया मेरा, रोटीज हो गया, अनार हो गया, चरखी हो गया, गुड़िया हो गया ना, ठीक है दे दीजिए। बम लेना है ना भैया, बम नहीं उतना कुछ नहीं। अगर सही नहीं पहले बता दीजिए कैसे किसका लगा रहे हैं। तो गाइस पटाखे लेके आ गया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मतलब फिर तैयार होकर देवी स्थान जाना है, वहाँ भी दिए रखने हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा कल्चर है कि मतलब दिवाली के दिन दिए वहाँ भी रखे जाते हैं, हर कोई रखता है। तो चलिए वहीं चलते हैं जल्दी से। देवी स्थान से तो आ गए, बट अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है घर को सजाना, वो ही बचा हुआ है। तो उस टाइम से मम्मी अकेले ही काम करी है, तो चलिए थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि दिया में तेल डालना है और बहुत सारे स्पेस है जो भी कवर करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी वो ही कर लेते हैं पहले। भाई वीडियो शूट करने के चक्कर में सब काम अकेले करना पड़ रहा है, ये सब व्लॉगिंग के साइड इफेक्ट्स हैं, तो देख लो एक बार आप लोग सोच समझ के व्लॉगिंग करना। तो गाइस घर की सजावट तो हो चुकी है, लाइटिंग तो मतलब दो तीन दिन पहले ही हो गया था, बट अभी दिया जलाना था वो भी हो गया। बहुत सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है ये आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। साइड प्लीज। सो गाइस आरती और हवन अच्छे से हो गई है, और इसी के साथ आज का जो पूजा है वो अच्छे संपन्न हुआ। यार मैं इसलिए बाहर रहना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो फैमिली मोमेंट्स है, जो टाइम है, वो मिस हो जाता है। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग काम है, इंटरेस्टिंग पार्ट है दिवाली का, वही करने जा रहा हूँ। तो चलिए अरे वो फटेगा नहीं मारा, बढ़िया से पकड़ेंगे। तो गाइस मैं इसी इंटरेस्टिंग चीज की बात कर रहा था। अरे सरवा देना मुंहवा के अंदर कर ले पहले, तो देख
तो गाइस पूजा, दिए जलाना, पटाखे फोड़ना सब जगह कॉमन है, बट हमारे बिहार में एक बहुत खास चीज़ है जो मुझे और यहाँ के लोगों को मतलब बहुत पसंद है, वो ये कि जो फैमिली है वो साथ बैठ के फरी बुनिया खाते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि फरी बुनिया यहाँ का एक बहुत मिठाई बोल सकते हैं, फेमस मिठाई वही खाती है। अभी हम लोग बैठ के खा ही रहे हैं तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस दिवाली तो ख़त्म होने को है, साथ ही आज का व्लॉग भी। तो वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी 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 दिवाली। आशा करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली भी उतनी अच्छी और सेफ रही होगी जितनी की मेरी रही है। तो चलिए आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।